सर्कल अब अपने अगले अध्याय तक जब पहुंचेगा तो आप ये सारी की सारी जंग है उसे और आगे बढ़ता देखेंगे। अलविदा करते हुए इस पूरी जंग को टीम वॉर्डन की गलती देखी कि जहां उन्होंने अपने खिलाड़ी गवाया भी था और यहीं पे एक दूसरी फाइट की माइकू सोल की शुरुआत होती देखी कि जरूर और लीजिए वो डीबीएस का फटका इस लॉबी के अंदर। डीबीएस एक ऐसा वेपन है, कैसी बंदूक है जो आपके हाथ में रहनी चाहिए ताकि आप पूरी की पूरी फाइट्स बना पाए अपनी। लेकिन टीम माइकू सोल की एस पावर वो आगे मूव करते देखेंगे, जरूर खिलाड़ी की पोजीशंस वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है। स्प्रिगॉट के द्वारा ओएस को भी डाउन किया, हाइड्रा भी फाइट्स में। इट विल ऑल कम डाउन टू द फाइट्स, व्हाट लाइक को फाइट लेनी पड़ेगी बिकॉज रोटेशन के बेसिस पे तो एंट्री मिलने वाली है नहीं। अगर आप ईस्टर्न बेल्ट पे जाए वहां पे भी टीम है और फिलहाल के लिए दस द्वारा एक प्लेयर को नॉक किया गया। टीम तमिलास के ऊपर भी शॉट्स आ रहे हैं। माइकू सोल एक सही अप्रोच पानी के रास्ता ढूंढा इवन दो दे आर इनसाइड द सर्कल राइट नाउ, लेकिन इनकी ये बैटल अभी थोड़ी और चलने वाली है। जब तक टीम तमिलास का इलाज नहीं करते आगे आप बढ़ नहीं पाएंगे। और टीम तमिलास वो चाहती नहीं यहां से अपना इलाज करवाना, वो चाहती है कि हम आगे बढ़ते जाएं और हम बाकियों को घायल करते जाएं। लीजिए टीम एक्सपार्क का भी आपको समापन यहां पर दिखेगा जरूर से। रोनी किस तरीके से उन छोटे छोटे एंगल्स को पकड़ रहे हैं और अपना एक अच्छा फायदा निकाल रहे हैं, और इसी को कहते हैं मौका परस्त बनिए ताकि आप अपनी टीम के लिए ज्यादा ज्यादा बेनिफिट लेके जा पाए, फायदा लेके जा पाए। वो बड़ा मुकाबला निकालना, कैनरिक एनर्जी आज भी क्या रिफ्लेक्ट करेगी लॉबी के अंदर। माइकू सोल से 6 फ्रैग्स इनके खाते में, और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए मैं फ्रैग नहीं देख रहा हूँ, मैं इनके नंबर ऑफ प्लेयर्स देख रहा हूँ। चारों खिलाड़ी जीवित है लेकिन समवॉट मिनी मैप में इनकी पोजीशन देखें तो घिरे हुए हैं आमने सामने, दोनों तरफ से दोनों छोरों से इनके प्लेयर्स हैं, इनको घिरा हुआ है। माइकू सोल 6 फिनिशेस के साथ आगे बढ़ रही है और रूक अभी भी नहीं रही, प्रयास तो अभी भी है कुछ एक आधा फिनिश और निकालेगा। स्पॉट किया, देखा, डाउन किया और फिर यहाँ मौका नहीं देंगे। एस पावर की निगाहें अगर किसी एक खिलाड़ी पर रुकती है तो फिर वो खिलाड़ी आपको डाउन होता ही दिखता है। और अभी ग्रेनेड भी चलते देखेगी और ग्रेनेड्स वो तो नहीं मिस होने वाली। तो और फिनिशेस टीम के खाते में एड ऑन होते हुए, लेकिन यहाँ मौका रह सकता है थोड़ा और उस नंबर को आगे बढ़ाने का। लीजिए एक और फिनिश आता दिखेगा, 9वां फिनिश खाते में लग चुका है, लेकिन कोई बात नहीं। अब यहाँ से जो बाकी खिलाड़ी बचे हैं वो इस बैटल को आगे कंटिन्यू करेंगे, मेडल को भी डाउन करने में सक्षम रहेगी टीम माइकू सोल। आपके खिलाड़ी डाउन है, एक खिलाड़ी रिवाइवल दे रहे और बाकी प्लेयर्स वो रेडी हो चुके हैं पुश करने। एक और नेड और मुझे गेस कर दीजिए, एक और अच्छा कनेक्शन, 12 फिनिशेस हो चुके हैं यहाँ पे। एस पावर वो 5 फिनिशेस लेके आ गए, साथ में नकुल के भी वो बेहतरीन ग्रेनेड्स। एक और मात्र ग्रेनेड एडी का समापन निकाल के दे सकता है। जोकर के द्वारा निंजे के ऊपर भी कनेक्शन, टीम माइकू सोल एडी का जो पोजीशन अगर नहीं डाउन किया तो फिर यूआर की इस फाइट में वो बाजी मार सकते हैं। नकुल के जहन में ये चीज थी कि ये खिलाड़ी बचा हुआ है अपनी टीम का, उसको जब तक एलिमिनेट नहीं किया नेक्स्ट फाइट की तरफ नहीं बढ़ सकते। बट सर्कल के अंदर ग्लोबल ईस्पोर्ट नजर आ रही है, आरी को एक साउथर्न एरिया मिल चुका है, लेकिन सर्कल के बाहर विंगॉट बनाम टीम माइकू सोल की फाइट हो रही है। टीम जीरो भी वहां पे मौजूद, विंडो थोड़ा सा डिस्टेंस में है, सैयद को डाउन किया। अभी इससे पहले तक तो दो-दो का स्प्लिट देखने को मिल रहा था, लेकिन अब ये चारों खिलाड़ी साथ में 8 बिट, ओ एक नहीं दो प्लेयर डाउन हो चुके हैं। ब्लू जोन ने भी काम किया, थोड़ी देर पहले आप कह ही रहे थे कि ब्लू जोन, देखिए ऐसे समय में बाकी प्लेयर तो शॉट ले ही रहे थे लेकिन ब्लू जोन ने भी डैमेज दिया। आपको ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। विंगॉर्ड हल्का फुल्का ब्लू जोन का डैमेज ले रहे हैं, लेकिन ये एलिवेट हो सकता है, एक्सेलरेट हो सकता है, लेकिन अभी के लिए 3 प्लस डाउन है टीम माइकू सोल के। और अभी क्या रिवाइवल हो पाएगा? नहीं, स्टेज 5 का सर्कल है और मान्या को प्रायोरिटी देके अब इस पावर निकल चुके हैं सर्कल के अंदर, बचे दो खिलाड़ी नहीं बच पाएंगे। क्या ये सर्कल के अंदर प्रॉपर मैनर में पहुंच पाएंगे या सेफ्टी के साथ पहुंच पाएंगे? चलिए अभी के लिए ब्लू जोन से तो निकल चुके हैं, लेकिन इनके ऊपर बुलेट शूट करते हुए इस बार स्प्लिट्स नहीं थे, बट इस बार काफी सारे खिलाड़ी अकेले पिक ऑफ हो गए, समझ नहीं पाए कि कहां से विंगॉर्ड आए, कहां से मेडल आए, बट काफी सारी माइकू सोल को क्या हो गया, गॉड लाइक की जेली को मैंने फिनिश ऑफ होते हुए देखा। माइकू सोल के ही द्वारा हुए हैं वो, एक फाइट होती देखिए आपको टीम सोल और टीम गॉड लाइक की, लेकिन माइकू सोल की उस फाइट में जैसे पहले आप विंगॉर्ड पर नजर डालिए, पैराडॉक्स का कंफर्मेशन भी आता दिखेगा आपको जरूर। और अब यहां से टीम माइकू सोल वो विंगॉर्ड के साथ फाइट रही है, क्या हो रहा, अचानक फाइट है, बदल कैसे रही है, पहले टीम गॉड लाइक के साथ था, बीच में अचानक विंगॉर्ड आ गई, टीम गॉड लाइक पहुंच चुकी है मेडल के पास। But there was already a player. Medal Esports किसी प्लेयर को अवॉइड करके जा रही थी, लेकिन माइकू सोल के मान्या द्वारा क्योया को डाउन किया, ये थे वो खिलाड़ी। टीम माइकू सोल वो तैयारी कर चुकी है, वो पुश एग्जीक्यूट करने की एक कोशिश करती देखी कि जरूर से रॉन हिल्स के जो वहीकल घुमाते कंफर्मेशन निकालते, खुद की एचपी भी हल्की कम की गई, खिलाड़ी मौजूद है तो इंतजार रखना पड़ेगा। पैराडॉक्स उनके द्वारा जोकर को डाउन भी किया, अब यहां पर दिखते हैं, लेकिन बचाने के लिए टीम माइकू सोल की पूरी स्क्वाड आती देखी कि जरूर से वाली जो कंफर्मेशन आएगा और स्मोक वॉल्स के साथ प्रयास करेंगे कि आसपास कोई और टीम अगर मंडरा भी रही हो तो वो एंटर ना कर पाए इस इलाके पे। लेकिन यही होता है, सिर्फ ओपनिंग से काम नहीं चलता, आपको उस ओपनिंग के ऊपर बिल्ड करते रहना पड़ता है। अगर आपने बिल्ड नहीं किया तो सामने वाले तुरंत फटकार करेंगे। लेकिन यहाँ डार्क लॉर्ड नजर आते हुए माइकू सोल सामने की तरफ, लेकिन ये क्या देखने को मिल रहा है, विजन मिल गया था, एंगल मिल गया था, लेकिन कनेक्शन टीम माइकू सोल को मिल गया। 3 फिनिशेस खाते में, चारों खिलाड़ी अब भी जीवित है इनके। लगातार कनेक्शन ढूंढने के बाद मुश्किलें थोड़ी सी हो रही है,
कोर्ट ऑफ दिवी काफी ज्यादा यहाँ पर डैमेज बढ़ाता दिखा है, लेकिन मानिया के द्वारा एक्यूपी के ऊपर एक अच्छा कनेक्शन डीपीएस इंतजार करते हुए दो से तीन टीमें सेम एरिया के राउंड आपको आती दिखी, और अगर यहाँ से आपने हल्की भी गलती के दिखने पड़ेगी वो मोल्टॉफ का प्रकोप, और इसी के साथ विस्गॉर्ड तो यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। लेकिन उस मोल्टॉफ से हुए हैं वो यहाँ पे डेस्ट्रो की थी वो मोल्टॉफ। रिवाइवल की प्रक्रिया जोकर के द्वारा शुरू की गई है, इस बार काफी जल्द रिवाइव होते दिखेंगे, और सिर्फ पॉपिंग करने का क्या वो समय मिल भी पाएगा या उससे पहले ही खिलाड़ी आपको टीम गॉड्स के पुश करते दिखेंगे। टीम गॉड स्मोक्स करते हुए आगे बढ़ते हुए यहाँ से पूरी फाइट बना जाती थी, एस पावर की वो नेट थी जिसने कनेक्शन ढूंढा और अब यहाँ से एक एंट्री उसे रोका गया है। जस्टिन टाउन है लेकिन 2v3 की सिचुएशन, बट अभी क्या थी माइकू सोल डिफेंड कर पाएगी अपने आप को या नहीं, गॉड्स रेन नजर आ रही है। टीम आरू का एलिमिनेशन तो हो चुका है लेकिन अब जोकर डाउन है, एस पावर बीइंग द लास्ट मैन स्टैंडिंग, गॉड्स रेन को भी पता है एस पावर बहुत ज्यादा लीथल प्लेयर है। दो प्लेयर डाउन हो चुके हैं और अभी ये टीम ये प्लेयर क्लच करके जाएगा, माइकू सोल एस पावर का ये क्लच कमाल का।